हिमाचल भारतवर्ष से आज हम एक प्रकरण में कानपुर के थाना सचेंडी में आए हैं, जहां बीते दिनों दिलीपपुर गांव में एक सुबोध वाजपेयी नामक एक आदमी की हत्या कर दी गई है। इस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया, जिससे गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसको जान से मार दिया है। उसी उपकरण में आज यहां ब्राह्मण महासभा के कुछ लोग आए हैं। आइए इनसे पूरा प्रकरण जानते हैं कि क्या मामला और ये किस लिए यहाँ पर आए हैं। भैया, ऐसा है कि सचेंडी थाने में एक गाँव पड़ता है दिलीपपुर जी, वहाँ गांव के कुछ लोगों ने जो है सुबोध वाजपेयी के ऊपर फर्जी आरोप लगाया कि इन्होंने जो है हमारे लड़की से बलात्कार किया है और छेड़खानी की है। उसको लेकर के इन लोगों ने सुबोध वाजपेयी को इतना मारा पीटा और मारने पीटने के बाद में दरवाजे पर फेंक गए, और फेंकने के बाद फिर जो है पुलिस गई। पुलिस ने उनका बाकायदा बताया कि हमने मेडिकल करा के अस्थाई जेल में दाखिला किया है, मेडिकल दबाववश किया गया, मेडिकल में कोई चोटें नहीं आई। और दूसरे दिन प्रातः सुबोध वाजपेयी की मृत्यु हो गई है अस्थायी जेल में। और जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने जो मोटी मोटी चोटें गिनी वो 175 चोटें थी। प्रश्न ये उठता है कि अगर जेल दाखिला के पूर्व अगर कायदे से मेडिकल किया गया था तो ये चोटें क्यों नहीं आईं, और अगर ये चोटें बाद में आई हैं तो क्या अस्थायी जेल में सुबोध वाजपेयी को मारा गया? कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन दोषी है। और जैसा कि आज परिवार की महिलाओं ने बताया कि लगातार उनको अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो हाल तुम्हारे पति का किया गया है वो तुम्हारी बच्चियों का और तुम्हारा भी होगा। ये धमकियाँ कहाँ से आ रही है और कौन दे रहा है? ये धमकियाँ आरोपी पक्ष सब पूरा दे रहा है जी। और उसमें और इस मामले में महिलाओं ने सीधे सीधे घर की ये आरोप लगाया है कि यशो साहब जो है हर सूरत में आरोपी पक्ष से मिले हुए हैं थाना सचेंडी जी। हाँ, और इस मुकदमे की विवेचना भी उन्हीं के पास है, जिसके ऊपर मृतक की परिवार की महिलाएं आरोप लगा रही खुलेआम। उसी से विवेचना में क्या न्याय मिलने की उम्मीद है किसी को? अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और अभियुक्तगण जो है उनके ऊपर परिवार के ऊपर लगातार धमकी दे रहे हैं कि आप मुकदमे में समझौता कर लीजिए, नहीं तो आपके परिवार का यही असर होगा। और जिला प्रशासन शांत बैठा हुआ है। आज जो है SP ग्रामीण साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम 2-3 दिन में जांच हटा देंगे और आप लिख के दे दीजिए, जिनके जिनके नाम बढ़ाने हैं हम उनके नाम विवेचना में बढ़वा देंगे। अगर 2-3 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग पुनः फिर थाने में धरने में सबको लेकर के बैठेंगे आकर के। प्रशासनिक दबाव जो पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का इस प्रकरण में दबाव है, मतलब मृतक के परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन मृतक के परिवार आपकी मतलब आपकी सभा की क्या मांग है प्रशासन से? हमारी ये मांग है कि इसे यशो सचेंडी को तत्काल यहाँ से हटाया जाए और जांच इसकी जो है CBI से कराई जाए। इस पूरे प्रकरण में आप किसी बड़े अधिकारी या अधिकारी से बात हुई? अभी तो SP ग्रामीण से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है जी। और अगर उन आश्वासन के मुताबिक 2-3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इस प्रकरण को सीधे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पिटीशन दाखिल करेंगे जा करके, और वहाँ CBI जांच की मांग करेंगे। अब ब्राह्मणों के साथ कतई अन्याय नहीं होगा। और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार। भैया, क्या मामला और आप लोग यहाँ किस लिए आए? ये दिलीपपुर गाँव में एक लड़के को ये आरोप लगाकर मार दिया गया है कि उसने बलात्कार किया था। उसको एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट पीट के मार दिया गया है। इस परिवार से आज हम लोग मिलने आए, क्योंकि जब तक माननीय न्यायालय ना बोल दे कि बलात्कार की पुष्टि हो गई है या कोई इसका एविडेंस पक्का ना आ जाए, तब तक तो नहीं कहा जा सकता। परिवार का आरोप यह है कि उसने उस लड़की को किसी आपत्तिजनक स्थिति में दूसरे के साथ देखा था, जिस वजह से उसको षड्यंत्र करके मार दिया गया। SO सचेंडी के ऊपर आरोप है कि वो धर्मेंद्र पाल नाम का कोई व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए परिवार के लोगों पर उन्होंने दबाव बनाया और परिवार की महिलाओं के साथ भी SO सचेंडी ने अभद्रता करी है, तो जिसको सुनकर ब्राह्मण समाज उद्वेलित हुआ है। और मैं यहाँ व्यक्तिगत आके बैठा हूँ कि SO सचेंडी के इस कृत्य का मुझे विरोध करना था, तो बहुत ही जो हमारे देश का संविधान बोलता है उस हिसाब से आके शांतिपूर्वक धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये धरना तब तक चलेगा जब तक SO सचेंडी साहब को यहाँ से हटा नहीं दिया जाएगा, उनको लाइन हाजिर नहीं किया जाता या उनके निलंबन की संस्तुति नहीं होती। क्योंकि परिवार अगर ये आरोप लगा रहा है इतने जगह हत्याकांड में कि SO सचेंडी की भूमिका है उसमें और आरोपियों को बचाने में और घटना में, तो उनका हटना ही अब जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। इस पीड़ित के परिवार से कोई आया? हाँ, ये उनके घर की महिलाएं बैठी हुई हैं और छोटे छोटे बच्चे, उनकी वाइफ है।
शाम को करीब 250-250 लोग हमारे परिवार में एकदम की कूद पड़े, पूरे परिवार को घेर लिया। इसके बाद 100 नंबर डायल की गए, पुलिस वहाँ गई, एक बार भी नहीं रोका कि यहाँ ऐसे तो हम लोग कानून किस लिए बनाया है, तुम लोग क्यों घर घेर रहे हो। इसके बाद सुबह उसको मार दिया गया। कौन घर घेर रहा था? ये पाल लोग सब लोग घर घेरा था। नाम बताएं। अभिषेक पाल, सचिन पाल, सौरभ पाल, ये बीसी पाल, ये तो बहुत पाल थे। हम इस लोग गांव के बहू हम जानते नहीं, सारे पाल ही थे। कपूर पाल, धीरेन पाल, ये सारे पाल ही। सुबह उसको मार के डाल दिया, उससे बाद प्रशासन वहीं खड़ा रहा। सुबोध वाजपेयी को, हमारा भतीजा है उसको धर्मेन्द्र पाल, इतना फौली इसने दबाव बनाया इस प्रशासन पर। ये प्रशासन ऐसे ही खड़ा रहा, एक बार जो नहीं कहा कि मार दिया गया और सरेआम गुंडैती करते हुए ये भोसड़ी का परा इसको उठाओ, इस तरह ये बोला था प्रशासन। ऐसे ही खड़ा रहा, रात को बलात्कार हुआ साबित नहीं हुआ। इसके बाद उसकी औरत को उठाया गया, उसके ससुर को उठाया, उसके बाप को उठाया गया। इसके बाद और मारने के बाद उसका सरेआम मर्डर हो गया। एक भी व्यक्ति को आटना हो गया, प्रशासन ने किसी को कार्रवाई नहीं की। घर से महिला को रात में उठाया गया? हाँ, महिला को 1:30 बजे रात को उठाया था। कितने बजे रात में? 1:30 बजे रात को। महिला पुलिस के साथ? महिला पुलिस के साथ, लेकिन एक जेंट्स पुलिस ने उसे गलत दबाया, बोला उससे कि अब ये तू भी दबा हो गई। ये किस तरह का प्रशासन है? सरे आम उन्नति हो रही है, सरकार के दबाव में मरते हैं कि सांगा के दबाव में काम करते हैं? अभी आपके प्रशासन से क्या मांग? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, 24 घंटे के अंदर सारे आरोपी पकड़े जाएं, नामांकित किया जाए। और फौजी का नाम वो धर्मेन्द्र पाल जो है PRO सांगा का, उसके तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसे सस्पेंड किया जाए उनके अधिकार से। मैंने लिखवाई हो, मैंने बेटी से धर्मेंद्र पाल के ऊपर आरोप है। धर्मेंद्र पाल ने उकसाया है लोगों को, मुख्य अभियुक्त में उसका नाम आना चाहिए। सीएससी में मारा है धर्मेंद्र पाल ने, सीएससी कल्याणपुर में मारा भी। आप सिविल के यहाँ गाड़ी से उतार के गिरा दिन दिन पुलिस की, और पुलिस लेके मेरे कमा का भाग गई थी। क्या बताओ, हमारे भतीजन का मारो थी तो सब पहले भाग के दरोगा जी। इस संगठन का नाम मैं ब्राह्मण महासभा इसीलिए है क्योंकि वाकई ब्राह्मणों की है, ठीक है। और जितना आप लोगों के मन में द्वेष भरा हुआ है ब्राह्मणों के लिए, इसको हटाइए अपने अंदर से। स्पष्ट है, दिखता है आपके मन से। कोई भी हो सजा है उसके लिए। हम लोग भी 70 ही पद के लोग हैं, जीवन दे दिया, 22 साल दे दिया भारतीय जनता पार्टी। मृत्युंजय पांडे क्या बता रही थी आप? क्या नाम है उसका? मृत्युंजय पांडे का नाम बताओ। मृत्युंजल, मृत्युंजल। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। सिपाही सिपाही पांडे बोरा वाला आपके साथ। लेकिन भैया आप जो बात हो वही बताइए। इनको पकड़ के क्यों लाया गया भैया? इनको पकड़ के नहीं लाए थे, मोबाइल में नंबर इनको पता नहीं था। रात में 1 बजे महिला को, जबकि उसका हस्बैंड गायब था, उसको मारा पीटा जा रहा था। हमको 9:30 बजे तक बंद कंपनी में डाटा एक्सेल में थे, वहाँ से हमको उठा लिया गया 9:30 बजे। ऐसा उसने क्या किया था कि आप उसको तुरंत पकड़ के लाए थाने? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिना वो पकड़े का है चली ऐसी था। चल बेटा, वो 5 लोग हम लोगों ने पकड़े। इंतजार कर रहे हैं, विवेक जी भी तो नहीं पकड़े। बैठ के इंतजार कर रहे हैं। आपको फोन करो, साहब लोग यहाँ बैठे साहब से बात करो। ऋषि कैसे? जी